दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद दोबारा आत्मा घर वापस आती है? और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका पैर ठंडा क्यों हो जाता है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्यों मरने के 13वें दिन 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बता देते हैं। हर कोई यही जानता है और यही मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक मौत ही ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वो मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी हर उस याद को देखता है जिसमें वो जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। ये बात हकीकत है। साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देख इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया है। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के पैर एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते, धीरे धीरे उसका शरीर भी निढाल हो जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन यही खत्म होने वाला है, और इसीलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है, और उसका धरती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। इसी वजह से मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर ना रहकर हवा में उड़ने लगती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है तो लोगों के साथ बुरा करता है तो उसकी आत्मा बड़ी ही तकलीफों का सामना करके निकलती है, और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग भी एकदम पीला सा पड़ जाता है। ये सब आत्मा के निकलने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी उसी शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास खड़ी रहती है, और जब उसके घरवाले उसे देखकर रोते या चिल्लाते तो ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और बस इनके रोने को सुनता रहता है। ये आवाजें इंसान को शोर जैसे सुनाई देती है, जो उसको काफी परेशान करते हैं, और हर एक घरवाले से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें अपने बात बताना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब बारी आती है आत्मा की परलोक जाने की। इसके लिए भगवान 2 यमदूत जमीन पर भेजते हैं, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी होते हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। इसके बाद दोनों यमदूत उस आत्मा को अपने साथ परलोक लिए जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा से होकर जाना पड़ता है, और फिर बाद में परलोक का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी जिसका नाम है बैतरणी, इस नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में पानी नहीं होता बल्कि भड़कती हुई आग होती है। यहाँ पे इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसके साथ होता है। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहाँ यमराज उसका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए हुए कर्मों का सारा हिसाब मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान का सारा लेखा जोखा होता है, जिन्हें वो यमराज के सामने रख देते हैं। अब यहाँ भी इंसान के कर्म ही उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वो एक भला इंसान होता है, तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक बुरा इंसान है जिसने धरती पर बहुत से पाप किए, तो उसे नरक में फेंक दिया जाता है। नरक भी 36 तरह का होता है। ऐसे ही कुछ समय पहले एक आदमी मर गया था, और उसे 2 यमदूत उठाकर अपने साथ ले गए। इस शख्स ने बताया कि जब मेरे अंदर से आत्मा को खींचा गया
तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़ों को कांटों पर से खींचा गया हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद मुझे परलोक ले जाया गया। वहां रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें आग और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। अगर मैं उसे पार ना करता तो यमदूत मुझे मारने लगते। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया और फिर मैं परलोक पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वो दोनों यमदूत बाहर रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया। सामने यवराज बैठे थे। उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यमदूत से कहा कि इसे क्यों ले आए, इसका अभी तक वक्त ही नहीं आया। और फिर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर वालों के बीच था। ये एक सच्ची घटना है जो आज से ठीक 10 साल पहले पूरन सिंह के साथ हुई। ये सिर्फ एक ही घटना नहीं बल्कि साल दर साल साइंटिस्ट के सामने ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती है और न जाने कितने लोग मौत को छूकर वापस आ जाते। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि जब वो मर गए थे तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए जहां बहुत रोशनी थी। कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। ऐसे ही और भी लोग हैं जिनका कहना है कि मरने के बाद उन्हें अलग सी चमक खुशी का एहसास होता था, साथ ही उन्हें बहुत प्यार भी मिलता था। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ा जाता है तो उस पर दूसरी बाहरी शक्तियां का नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से आत्मा उनके वश में हो जाती है। इसीलिए न रात के समय में शव को अकेला छोड़ा जाता है और ना ही दिन के समय। अब बात करते हैं 13वीं तक पिंड दान क्यों नहीं किया जाता, इससे आत्मा को क्या फायदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर वालों के पास छोड़ने जाते हैं तो आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कुछ जेल कर आई होती है और उसके अंदर इतना दम और ताकत नहीं रहता कि वह दोबारा परलोक जा सके। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक जो आत्मा के लिए पिंडदान करता है उससे अलग अलग शरीर के पार्ट्स की रचना होती है, और ऐसा ही 13 दिन पिंडदान करने से उसकी आत्मा यमलोक जाने के लिए योग्य हो जाती है, और ऐसे ही आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक जाती है तो उसे 1 साल का समय लगता है। और इतने लंबे सफर के लिए 13 दिनों तक जो भी पिंडदान या क्रिया कर्मों किए जाते हैं वह उसके भोजन जैसा होता है, जिसके दम पर ये यमलोक का रास्ता पार कर सकते हैं। इसीलिए पिंड दान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मरने के बाद का खुलासा गरुड़ पुराण में किया गया जो कि एकदम सच है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।